गारंटी देता हूँ इस साल फाड़ के रख दोगे। अगर मन बना लिया है और पढ़ाई के लिए सीरियस हो तो आ जाओ वीडियो की तरफ। आज की वीडियो होने वाली है कम पढ़ाई कर कर ज्यादा आउटपुट कैसे लाया जाता है। 5 पॉइंट बताऊंगा, अगर उनको समझ गए तो 98 और 99% तक आसानी से फोड़ दोगे। और नंबर 4 तो लाइफ चेंजिंग है। नंबर 1 डेली स्टडी। डेली पढ़ाई करनी है, हर रोज पढ़ाई करनी है और हद पार पढ़ाई करनी, बट हमसे तो पढ़ाई होती नहीं, उसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। माइकल फिलिप्स वो बंदा है जिसने 2008 के ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल स्विमिंग में जीते और वहीं पूरे इंडिया ने मिलकर सिर्फ अब तक 10 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो सोच सकते हो बंदे की मेहनत किस लेवल की होगी। जैसा कि आपको पता है ओलंपिक हर 4 साल के बाद आता है, तो इन 4 साल के अंदर माइकल फिलिप्स ने डेली 8 घंटे से ज्यादा पानी में रहकर प्रैक्टिस की और वो भी बिना एक दिन की छुट्टी किए। कोई त्योहार नहीं, कोई हॉलीडे नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस। क्योंकि वो कहते हैं अगर मैं एक दिन प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो अपने कॉम्पिटिटर से 2 दिन पीछे हो जाऊंगा। तो लगाओ ऐसे चैलेंज अपने आप से भी, 8 घंटे 4 साल तक दो किसी भी फील्ड में, चाहे वो पढ़ाई हो या कुछ और, फाड़ के रख दोगे। और तुम 8 घंटे नहीं सिर्फ 4 घंटे दो पढ़ाई के लिए, तुमसे आगे कोई निकल जाए तो कमेंट बॉक्स आपका है, जो चाहो बोल सकते हो। नंबर 2, ये टेक्निक साइंटिफिक प्रूवन है जो आपके कंसंट्रेशन एंड लर्निंग कैपेसिटी को 10x तक इंक्रीज कर देगा। हमारे ब्रेन को लेवल्स कंप्लीट करने में मजा आता है। जब वो किसी भी गेम में लेवल 1 पर होता है तो उसे पार करने के लिए हमारा ब्रेन पूरी ताकत लगा देता है और उस समय हमारा फोकस सिर्फ उस लेवल को पार करने पर होता है। तो इसी लेवल वाले गेम को हमें स्टडी में यूज करना है। लेवल 1, जो भी क्लास में पढ़ाया जाए उसे पहले ही घर पर बुक से पढ़कर जाओ। लेवल 2, जो कुछ भी तुम्हें लेवल 1 में समझ नहीं आया, देन जब टीचर्स उस टॉपिक को क्लास में पढ़ाएंगे तो हमारा फोकस ऑटोमेटिकली उस चीज को समझने पर होगा। एंड नंबर 3, जो आपको परफेक्ट बनाएगा, न्यूमेरिकल्स एंड रिवीजन, जहाँ पर आपके लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों की नॉलेज का यूज होगा। तो हमेशा पहले ही टॉपिक को घर से पढ़कर जाओ, ऐसा करने से आपको ज्यादा और अच्छे से समझ में आएगा। नंबर 3, इररिलेवेंट क्वेश्चंस। क्लास के अंदर बेशरम बन जाओ, कोई सर नहीं, मन में जो आता है पूछो, चाहे बात का लॉजिक है या फिर नहीं। कोई क्वेश्चन नहीं आता, कैसा भी डाउट हो पेंडिंग में मत छोड़ो, क्योंकि क्लास में क्वेश्चन पूछना आपके फियर को खत्म करेगा। एक रिसर्च कंडक्ट की गई थी जहां पर पूछा गया था आपको सबसे ज्यादा फियर किस चीज का है, तो 80% लोगों के अकॉर्डिंग डेथ दूसरे नंबर पर थी और पहले नंबर पर पब्लिक स्पीकिंग। अगर आप अपने पब्लिक स्पीकिंग के फियर को खत्म करना चाहते हो, कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हो और 4 लोगों के सामने अपनी बात को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो क्लास में डाउट पूछने के साथ स्टार्टिंग करना एक अच्छा आइडिया रहेगा। तो डाउट पूछने में कोई शर्म नहीं, डाउट पूछो, बट हमें तो डाउट ही नहीं आते, तो कोई बात नहीं, आप पहले से ही पढ़ के गए हो, जो आता है उसे ही पूछ लो, बस पूछ लो, कुछ ना कुछ पूछ लो। नंबर 4, फ्लो। कम पढ़ाई करनी है लेकिन ऐसी पढ़ाई करनी है कि ना भूख लगे ना प्यास, बट ऐसा होगा जब तुम पढ़ाई से प्यार करने लगोगे। कुछ साइंटिस्ट लोग अपने काम से इस तरह प्यार करते थे कि उनकी आज शादी है और वो अपने काम में इस तरह बिजी हो गए कि उन्हें याद ही नहीं है कि आज मेरी शादी है। ऐसा प्यार जिस दिन तुम्हें अपने काम से हो गया, लिटरली बहुत आग जाओगे। बट ऐसा सिर्फ हो सकता है जब तुम अकेले में पढ़ाई करो, कोई डिस्ट्रेक्शन नहीं। और एक बात बता दूं, अगर आसमान में उड़ना चाहते हो तो फोन को तो फ्लाइट मोड पर लगाना पड़ेगा। नंबर 5, पैरेटो प्रिंसिपल। क्या पढ़ना है वो तो जरूरी है, बट उससे ज्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ना है। पैरेटो प्रिंसिपल यानी 80-20 रूल कहता है 20% एफर्ट्स 80% रिजल्ट लाते हैं और 80% एफर्ट्स 20% रिजल्ट लाते हैं। मतलब अगर तुम पूरे साल सिर्फ 2 घंटे पढ़ते हो तुम्हारी 80% बन जाएगी, लेकिन 99% बनाने के लिए तुम्हें 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। और ये प्रिंसिपल हर जगह वर्क करता है। जैसे 80% टीचर्स के 20% बच्चे फेवरेट होते हैं, और वैसे ही 80% स्टूडेंट्स को 20% टीचर्स ही पसंद आते हैं। तो हमारे हर चैप्टर के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, उनके बारे में पता करो और उन्हें घोल कर पी जाओ। उनमें से कुछ भी आ जाए छूटना नहीं चाहिए। अगर तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करता तो ये 4 मिनट की वीडियो और देख लो।